हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार, हरि के द्वार, और यहां पे काफ़ी दूर दूर से संगत आई है। बोलो की बहुत ज़्यादा भीड़ है। आओ आपको यहां का नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हो पीछे ये फुलवाड़ी चल रही है और पीछे भोले स्नान कर रहे हैं और इधर लेटे हुए हैं काफ़ी, और मोटरसाइकिलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। और दोस्तों आप पीछे भी देख सकते हो काफ़ी संगत है, और आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों आना तो दिन में था, काफ़ी लेट हो गए हैं, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप देख सकते हो नीचे पानी भी काफ़ी है, भोले स्नान कर रहे हैं जितने। बहुत ठंडा पानी है, काफ़ी ठंडा जल है यहाँ का, और हमने तो 5 स्नान ही। दोस्तों आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, हरिद्वार में काफ़ी सुंदरता देख सकते हो, और इस टाइम जल प्रवाह भी काफ़ी है और भोलों की बहुत ज़्यादा संगत है। जगह जगह पर भोले हैं और सवारियों की तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी लाइटें हैं यहाँ। रोड की वैसे 2-3 रोड ब्लॉक कर रखे हैं, इसीलिए हमें गाड़ी से उतर के ब्लॉक नहीं बना सकते, गाड़ी से उतरना मना है। आगे देख सकते हो आप सिटी वाले जा रहे हैं और आगे सवारी आगे जा रही है। एक रोड बोलो के लिए है, एक रोड सवारियों के लिए है, जो जा रहे हैं। मोटरसाइकिलों की जितनी भीड़ है, पुलिस खड़ी है, और जो रोड पर बोले खड़े हैं उन्हें बोलते हैं साइड में आगे पीछे हो जाओ, यहाँ रास्ता बंद ना हो। सुंदर लग रहा है, भोले बाबा की मूर्ति। आप देख सकते हो भोले बाबा की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। सवारी ना जा रहे हैं कांवर, लेकिन देखने सुंदर सुंदर कांवर है।
जा रहे हैं कि आगे बहुत अच्छी अच्छी खबर है। और देखने वाले लोग भी बहुत हैं, आप देख सकते हो। बहुत संगत है, बहुत ज़्यादा। जय भोलेनाथ। देखने वाले बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखने वालों की भी। सिर्फ उस रोड पे भोले ही चल सकते हैं। हाँ, एक रोड भोलों के लिए और एक हमारे लिए। कितना सुंदर कावर है, आप देख सकते हो। मज़ा आ गया इस सीन में।